दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहे। पार्टी का दावा है कि राजस्थान के घोषणा पत्र में किसान और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, उनका हित सोचा जाएगा। तो वहीं पर निर्दलीय विधायकों को पार्टी में शामिल करने के सवाल पर पांडे ने कहा इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मार्च को राजस्थान के दौरे पर हैं। इस दौरान वे 52,000 प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। राहुल गांधी जी कल राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज गंगानगर से सूरतगढ़ से शुरुआत करेंगे, जहां पर इस जनसंकल्प रैली को वो संबोधित करेंगे सूरतगढ़ में और बूंदी कोटा में। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और सभी जगह से, सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, साथ साथ में हमारे शक्ति के जो बूथ कार्यकर्ता हैं वो भी भारी संख्या में इस जनसंवाद रैली में भाग लेंगे। और इसके बाद में शाम को पूरे राजस्थान के हमारे जो 52,000 बूथ के जो प्रशिक्षित बूथ के शक्ति कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो संवाद स्थापित करेंगे और उनको आगे आने वाली इस चुनौती में उनकी भूमिका क्या होगी इस लोकसभा में, इस विषय में